वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। भाई आज हम खेलने वाले लूडो क्लब टू वर्स टू। पहले आवाज कम कर लेते हो यार। नहीं यहाँ अभी सोना है और फिर कल नौकरी रहेंगी मेरे लिए। भाई ब्रॉन्ज पे ही हूँ यार, ये बढ़ क्यों नहीं रहा है? क्या ही फायदा होने वाला है? पार्टी में जाते लोग खाते भी नहीं आते। छोड़ो अभी अपन स्टार्ट करते हैं। अरे यार कौन सा कर लियो? ये वाला अभी ना मेरा सबसे अनलकी कर लेंगे। येल्लो येलो मेरे लिए बहुत अनलक्की है। मेरे लिए सबसे लक्की है अपना पापा आउटिंग करो। सबसे अच्छा है रेड मेरे लिए। हाँ बुरा मत मानना। रेड और ब्लू मेरे लिए लूडो क्लब में लक्की कलर। मुझे खेलने लेना मैं आपको छेद आते दूं। तू बीच बीच में मत बोल ले यार मेरे पास। मैं आपको छेद आते दूं। पृथ्वी नहीं थी मुझे तेरे से। भाई पहली बार मेरा बी आया हूँ अभी। क्या बोलते बी बी क्या बोलते अपन टीम बी बी ओ। पहली बार मैंने बी आया हूँ अब तो समझ गए होंगे। आना इसमें कुछ है भी नहीं यार। ये चॉकलेट रख। ओह शिट गया पर कोई रास्ता नहीं तो पता है। अरे क्या कर रही है? हाँ तो दर्द हो रहा है। वो गायब हो रहे हो तो वो भी आ गया। शायद मुझे मेरे सब तो पर बच जाएगी। भाई बच गए यार। ओ भाई खुद के टाइम पे खेल लो। जो दिन तर है ना वो ना मैरिज में भी आया तो ये दिन तर हाँ ठीक है। साहब अक्सर हमारी दुकान दोपहर में बंद रहती है, लेकिन दोपहर दुकान बंद करते समय हमने विक्रमी जैसे किसी को आते जाते नहीं देखा। तब तक किसी को आते जाते नहीं देखा? नहीं साहब नहीं देखा हमने। ठीक है अगर कुछ भी याद आए या पता चले हमें जरूर बताना। तुम आ जाए तुम घर में बिल्कुल समझ नहीं रहे हो कि हम क्या है। हम साफ समझ रहे हैं आप ही
जी अभी हम थोड़ा बिजी हैं, आपसे थोड़ी देर में बात करें। सॉरी राजेंद्र जी, हमने आपको डिस्टर्ब किया। वो हमने ये पूछने के लिए फोन किया था कि आपको वो कैसा लगा। पीछे बातें कैसी है, सब ठीक तो है ना? नहीं जा रहा जी, वो घर में थोड़ा सा एक्सपेंस पर यहाँ मुसीबतों का पहाड़ गिर पड़ा है और तुम अपनी मंगेतर के साथ बतिया रहे हो। आप ही के कहने पे हम इस उम्र में घोड़े भी चढ़ रहे हैं और आप हो कि हमें। अच्छा, अगर पहले ही चढ़ जाते ना तो भास्कर को माँ मिल जाती और वो ये सब ना करता जो उसने किया है। माँ ये सब उसने बचपन में किया है और अगर हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे बताने के लिए तो सबके सब फंसेंगे। क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है? अरे यार, चारों गुटी अंदर यार, बताइए हम क्या करें? मत मार भाई। हम क्या बोले? मम्मी कौन से पूछ रही हो आप? अभी भी हनुमान चौक के बीच चौकी से कौन आया? किस आदमी को अपनी बाइक पे हनुमान चौक के सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर किया गया? इसके साथ कोई बच्चा नहीं था, लेकिन इसके कंधे पे एक बैग था, हो सकता है उसने मिट्टी को उस बैग में रखा। कुछ सीसीटीवी कैमरा के फुटेज को मंगा लिया। हनुमान चौक हनुमान नगर में है ना? वहाँ मेरे पहले पति का घर है। अभी क्या चाहिए तुमको? ईयरबड नहीं है अपने पास, ईयरबड नीचे है। बंद करो टीवी, बंद करो फोन पापा का। मेरा फोन हो जाएगा जी। मैं कभी तलाशी दे दी। आप पूरी रात पगलियों के लिए कर सकते हो, आप ये सब नहीं कर सकते हो। सर वारंट है हमारे पास, चलो पूरे करके चलो। मम्मा बस 10 मिनट है। बताइए तो सही बात क्या है? आपकी बहू रितु ने कंप्लेंट लिखवाई, मुझे सोचा कि उसकी बेटी मीठी आप पे करते हैं। सर मीठी या नहीं है, रितु ने हम पे झूठा आरोप लगाया है। अब झूठा आरोप है या सच है ये तो हम पता लगा ही लेंगे। दो दो को देख सकते हैं। सर हम आपसे कह रहे हैं यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा, मीठी नहीं है यहाँ पे। सर घर में मीठी और कोई भी छोटा बच्चा नहीं, लेकिन बच्चों का ड्राइवर वो भी यूज। सर लेकिन आपके घर में हमें कोई ऐसा छोटा बच्चा भी नहीं दिखाई दे रहा जो ये डायपर इस्तेमाल करता हो। हाँ सर, पर रितु यहाँ अक्सर आती है भास्कर से मिलने और मिठी भी उसके साथ होती है, वो ही छोड़ गई होगी। रितु यहाँ आती है जी? ये भास्कर कौन? सर भास्कर ये रितु और राजेंद्र का बेटा है और इसी से मिलने रितु यहाँ आए दिन आती रहती है। अभी दो दिन पहले भी वो यही थी, दो घंटे तक उसके साथ कमरे में बैठी थी, तब मिठी भी थी उसके साथ, तभी छूट गया होगा। भास्कर बेटा ये फोटो ध्यान से देखो, रितु बीच में से हट रही क्या? तू ये मीठी ही है ना, ये आज यहाँ आई थी, आपने देखा इसको? देखो बेटा, अगर तुमसे कोई भी पूछे ना मीठी के बारे में तो किसी को मत बताना कि तुम मीठी को यहाँ आए थे, क्योंकि अगर तुमने किसी को बताया ना कि मीठी यहाँ थी तो तुम्हारी मम्मी की तरह तुम्हारे पापा भी दूर हो जाएंगे। उसकी फोटो को यहाँ किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया है, लेकिन उस किडनैपर को यहाँ हनुमान चौक पे तो देखा ही गया था। आसपास पूछताछ जारी रखो, हो सकता है कुछ पता चले। ओके सर।
हनुमान नगर के नजदीक एक डंपिंग ग्राउंड से मिली और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मिट्टी की हत्या दम घुटने से हुई, लेकिन यह हत्या किसने और किस इरादे से की थी ये पुलिस के लिए भी एक रहस्य बन गया और पुलिस की कई कोशिशों के बावजूद इस राज से पर्दा नहीं उठ पाया और वक्त के साथ साथ मिट्टी की हत्या से जुड़ा यह राज राजेंद्र और उसके परिवार ने अपने सीने की गहराइयों में दफन कर लिया था और जिंदगी की नई शुरुआत में लग गए थे। लेकिन जिस घड़ी को वो एक नई शुरुआत समझ रहे थे, क्या वाकई में एक नई शुरुआत थी? तो किसी अनहोनी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। हाँ लगा लो भाई, यहाँ पे फिर बाद में यहाँ पे लाइटिंग छोड़ना है। वो चाचा जी पापा मुझे ऊपर तो हने दो तंतितम जा ये ध्रुव बंद कर चल ध्रुव बाथरूम की लाइट बंद कर क्या हाँ बस 3 मिनट गुड नाइट पापा गुड नाइट कौन किसके पास घुस रहा है मुझे मेरे को सर्दी अपनी जगह पे जा बराबर तो बात बोल रही है लबो कुछ बराबर नहीं बोल रही आ जाओ चलो नीचे आ जाओ तुम नीचे आ जाओ इन दोनों को साथ में सुला दो मम्मा नहीं नहीं मेरे को सर्दी है ना नहीं आ रही मैं सोने जा रही हूँ नाइट चाहिए मम्मा मेरे को सर्दी है ना लेकिन अब पापा तू भी सर्दी है चुपचाप सो जा ना तो काट लूँ हाँ ऐसी का लालच जो बाथरूम की लाइट बंद कर दिया बेटा जा रहा क्या मैं जा ही रहा हूँ वो भी वैसे भी 10-15 मिनट रुक जाओ क्या करने जा रहा बेबी कितना पानी पीता मैं तो सोचती हूँ तू नहीं तो मैं कौन दिखा रहा है तेरे जैसे बच्चे को डॉग निप कर रही क्या डॉग कोरोना अरे गलती से मिस्टर लाइक लो अच्छा दीदी एक लिप कर आले पक्का नहीं छोड़ूंगा चला रही क्या पापा के पास आपके लिए क्या ये पापा पापा जी क्या कर रहे तू गेम गेम खेलूंगे कोई गेम नहीं कर रहा मैं चुप हो जाऊं तुमने मेरे को क्या भेजा था ए पापा मम्मा यस अरे हां और ऋतिक की सेकंड इंस्टॉलमेंट भरनी है दोनों की याद रखना काई की अरे यार तू वो रोबोट टॉपिक को बंद कर देना एक बार क्या हो गया उससे बोलने से हाँ बोल आदमी बन जाए वो ना मोनी की नीचे बजट से कर देते तू बताओ जा ना दे जब तू को बता तो ना मोनी की भी चटका देते दादी की दादी ने भी नहीं पी थी दादी से भी चल पूछ ले ठीक है दादी से कल पंचायत कर लो दादी तो तू राजी नहीं अरे सुन ना आज की पंचायत तो बता दे क्या क्या पंचायत ठोकी आई तू सोने को क्या छेछ ला रही बंदा यानी कुछ पंचायत करके आई है क्या है ये डायरेक्ट दो ला देते यार मेरे को पापा को खाना है अरे पीछे ठीक है जा मुझे सुनो मिट्टी डालनी थी पीछे अच्छा बोल लेना था बंद कर रहा क्या कि कान में बंदर जैसा कुछ नहीं कर रहा हूँ रुको ना बस मैच हो गया ना कल ये धोले ना बॉम्ब जो है
बास आती इधर से, समझा क्या? पापा नेल पेंट लगाना है क्या तुमको? अच्छी आज, अच्छी आज, अच्छी आज। भाग लिए अभी। अरे अच्छा लाना, तुम्हारी उंगलियां फोड़ देती है। आ बेटा, आ तुम्हारा बहुत लाड़ आ रहा है। अरे एक भी तो नहीं फूटी अभी तक। मैंने तो फोड़ दी, इसने मेरी नहीं फूटी। तेरी कौन फोड़ रहा है? पापा ने फोड़ रहा है। पापा ने फोड़ रहा है। आपको खींचना नहीं आता? अच्छा नहीं नहीं सिर्फ खींचो मम्मा प्लीज ना। विटामिन ये क्या? नहीं आ रही क्या? रोटी पापा के पास घुस के सो। रू बंद कर देना यार, नींद आ रही ना हमको भी। रुको बस राइट मामा प्लीज। अरे लेफ्ट हो जाना, वैसे भी कौन सा जीतने वाला होगा? जीतने ही वाला हूँ बस। पर पापा जीते थे। बहुत गुस्सा आएगा ये जो मेरी टीम है। ये बोलेगा जीतने वाले थे, पप्पो गया लेफ्ट हो गया, ऐसा बोलेगा। मत मारोगा मम्मा? छोटे दिखते हैं ना तेरे बॉम्ब्स। कहाँ मार रहे हैं आपको? भी नीचे आ रही क्या? हाँ। क्या यार, क्या बंदा है पता नहीं, अजीब ही बंदा है। क्या मतलब तुम्हारे बेटे मौज कर रही? तेरे को, ध्रुव को और पापा को, तीनों को एक का साथ सुना दे। तो पापा को सर्दी है ना? कोई सर्दी नहीं है, पापा कुछ भी बोलता है, झूठ बोलता है पापा। अब बस ये वाली गुड़ी जल्दी से। ला बेटे चिल्ला। अरे भाई छी, क्यों तुम तो बोल रहे थे सब्जी का अंदाज नहीं है, पालक पनीर बची भी नहीं। ए बपन लाया दीदी डोला, मुझे सुना दी। मैं भी उड़ा दू। हाँ तो आ रही ना, उड़ाने में मिलते। बाय बाय। वो नाइन करना। बाय बाय।